नए पार्षद सरकार के साथ मिलकर काम कैसे करेंगे, एमसीडी कैसे चलानी है और लोगों से किए वादों पर खरा कैसे उतरना है, इसी पर मंथन के लिए शनिवार को सीएम केजरीवाल ने अपने पार्षदों से मुलाकात की। नए पार्षदों के काम की निगरानी के लिए आम आदमी पार्टी के चार बड़े नेताओं की भूमिका तय की गई। हमने चार पार्ट्स में दिल्ली को बांट दिया और आतिशी, अदिल, दुर्गेश और सौरभ की ड्यूटी लगाई है उनके साथ। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ा मुक्त और एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया है। कट्टर ईमानदारी वाली छवि पर दाग न लगे, इसके निर्देश भी पार्षदों को दिए गए। दिल्ली में मेयर के चुनाव पर भी सस्पेंस बना हुआ है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी उनके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती। मुख्यमंत्री जी ने शुभकामनाएं दी और बताया कि अब आपका सार्वजनिक जीवन है, इसमें पैसे से दूर रहना है। एक बार अगर किसी आदमी को पैसे की लत लग जाती है तो फिर वो काम नहीं कर पाता, फिर वो सिर्फ पैसा कमाना उसका जो है ध्येय बन जाता है।